ये इसको भी आगे कर दिया, ये भी लगवा लिया, उसके बाद भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। गाइस हमारे सामने खड़ी है ट्राइबर और ये है ट्राइबर का बेस मॉडल और इसका ऑनरशिप रिव्यू भी हम कर चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ मैं, ऊपर भी डाल दूंगा। और इसमें जब CNG फिट करवाया था उसका भी ओवरऑल ऑनरशिप रिव्यू हम कर चुके हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ, वो भी दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब जो मेजर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हमें मिल गया है, जो CNG लगवाने के बाद इसमें मेजर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो फेस हो रही थी बार बार, वो मैं आपको बता भी चुका हूँ, उसमें उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिला है। मतलब आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास बहुत से कमेंट्स बार बार आ रहे थे उस चीज़ को लेके, तो वो सॉल्यूशन अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो इसका स्टेफनी वाला सॉल्यूशन है, क्योंकि स्टेफनी का एक बोल्ट लगा होता है, मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था और अब उसका पूरा कम्प्लीट सॉल्यूशन हमको मिल चुका है। तो चलिए जानते हैं सीधे दानिश भाई से उसके बारे में कि कैसे क्या उन्होंने करवाया है, कौन सा टूल बनवाया है उस चीज़ के लिए। तो हमारे साथ हैं दानिश भाई। दानिश भाई जिन्होंने CNG लगवाया था, इन्हीं से हमने ऑनरशिप रिव्यू करा था, मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप देख लेना। तो दानिश भाई अब बताइए क्या चीज़ आपने बनवाई है, किस तरीके से वर्क करती है? मतलब ये रॉड बनवाई है, देखिए जी, इसको थोड़ा सा बेंड करवाया है अपने अपने साइज के हिसाब से नाप। ये आपने बेंड जो इसमें कर्व आ रहा है बीच में, ये अलग से करवाया है ये भी? जी बिल्कुल। अच्छा, और ये क्या वेल्ड करवाया आपने? ये जो बोल्ट इसकी टामी है बोल्ट की, वो अपन ने यहाँ वेल्ड करवा दी। अच्छा, अब इसको लगाइए। मतलब पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि ये निकल नहीं पा रहा था? जी यहाँ पे कोई भी ये बोल्ट जो लगा हुआ था यहाँ पे, यहाँ के लिए मतलब ऐसा कोई टूल आ नहीं रहा था, वो स्पेशली बनवाना पड़ रहा था, क्योंकि CNG ऊपर लगी हुई है, स्टेफनी इसके नीचे लगती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था, मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे इसको लेके। तो दानिश भाई ने ये वाला टूल इसका बनवाया, एक बार लगा के दिखाइए फिट करके दानिश भाई इसको, क्योंकि पहले काफी स्क्रेचेस आ रहे थे इधर इसको दूसरे टूल से करने। देखिए यहाँ से ये राउंड बेंड हुआ है जी, यहाँ से, और ये इस पे ना टकरा इसलिए यहाँ से भी बेंड हो गया जी, तो अब ये कहीं भी नहीं टकराएगा। और तो ये बेंड काहे से करवाया आपने? मतलब ये मशीन से किया है उन्होंने? हाँ, मशीन से किया है। और ये आगे जो है वो भी आपने बोल्ट के हिसाब से नाप करके लगवा लिया? बाहर निकालिए उसको 2 मिनट आप। ये देखिए भाई इस तरीके का इन्होंने बनवाया है, यहाँ से वेल्ड करवाया है, और ये पूरा मैं बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, और इस तरीके से कर्व डलवा के इन्होंने बताया। दानिश भाई ये जो इस ये वाला निशान और ये वाला जो निशान आ रहा है, ये किस चीज़ का निशान आ रहा है? ये टकरा रहा है पीछे, मतलब एक कोना इधर से ये टकरा रहा है, एक कोना इधर से ये टकरा रहा है। हालांकि इन्होंने जब ये लगवाई थी तो इस सीट को आगे भी करवाया था आपने थोड़ा सा, है ना सर, इसको आगे भी करवाया था, उसके बावजूद इतनी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ये 12 किलो वाली है ना अपनी? नहीं 9 किलो वाली। हाँ मतलब 9 किलो गैस आती है, 12 किलो जो टंकी कहलाती है वही वाली है, तो इसका मतलब ये कि भाई इसमें फिर तो छोटी लगवाना चाहिए, दो जो 8-10 किलो वाली कौन सी आती है? क्योंकि ये तो टकरा रही है, सीट आगे करवा दी थी उसके बाद भी टकरा रही है, और अभी नई नई है अभी हाल ही, तो फिर पूरा ठोक देगी ऊपर से यहाँ से। और भाई देखिए इसमें एक प्रॉब्लम और आ रही है, पहले ये जो लॉक होता था जैसे सीट आगे जा रही है, ये वाला जो लॉक लगा हुआ है ना यहाँ पे, इसको मैं पीछे करके आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे लग जाता था डायरेक्ट, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ये इन्होंने CNG लगवाया था और सीट थोड़ी आगे करवाई थी, तो ये एक CNG वालों ने ही लगा के दिया था इस चीज़ को। पहले ये यहाँ पे फिट होता था इसके अंदर, मैं आपको पास से दिखाता हूँ, तो डायरेक्ट ये भी ऐसा फिट हो जाता था, लेकिन अभी ये भी फिट नहीं हो रहा है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि यार इतना मतलब इन्होंने एडजस्ट कर लिया, इसको भी आगे कर दिया, ये भी लगवा लिया, उसके बाद भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है इसमें CNG में, और ये निशान वगैरह जो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप जानिए, क्योंकि मेरा काम है आपको एक्चुअल चीज़ बताना, इसलिए मैं आपको एक्चुअल चीज़ जो ये फेस करना है कि स्पेस कम बच रहा है, इसको आगे करा दिया है, ये बड़ा सारा टैंक, मतलब ये है कि एक मेरी तरफ से अगर सॉल्यूशन बताऊं तो अब ये 12 किलो का टैंक आता है जिसमें 9 किलो गैस होती है, आप वो 8-10 किलो का लगाइए जिसमें 7-8 किलो गैस आती है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए, उसमें आपको सीट आगे भी नहीं कराना पड़ेगी, और ये जो चीज़ है ये टकराएगी भी नहीं, और ये इसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल, जब आगे सीट नहीं करवाएंगे आप तो ये लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर ये टूटेगा भी नहीं। तो कुछ यही थी, बाकी स्टेफनी वाली मेन चीज़ थी जो मैंने आपको इसमें बता दी कि कैसे खुलती है। होप करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।